आज मेथी का ठेपला, मेथी का परोटा बनाएंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, मेथी का साग धो के काट के 1 कप लिया है, गेहूं का आटा 1 कप, आधा कप बेसन, चार हरी मिर्ची कूट के लिया है, आधा इंच अदरक कस के लिया है, 2 स्पून नींबू का रस, 4 स्पून दही, हल्दी 5 स्पून, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची 2 स्पून, धनिया पाउडर 2 स्पून, चीनी 1 स्पून, ये ऑप्शनल है, ऑयल 4 स्पून, अजवाइन 1/2 स्पून, अभी एक बाउल में सारी सामग्री डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स करेंगे, आटा गूंद लेंगे, देखिए ऐसा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इस आटे को थोड़ा ऐसा गूंद लेंगे, देखिए ऐसा। अभी एक प्लेट ढक करके 10 मिनट रेस्ट में रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, लोई बनाएंगे। अभी एक लोई लेकर के ऐसा बेलेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ट्रायंगल रूप में फोल्ड करेंगे। अभी इसको भी बेल लेंगे, देखिए ऐसा। अभी तवा गरम हो गया है, मीडियम आंच में रख करके इसको सेक लेंगे, देखिए ऐसा। थोड़ा ऑयल डालेंगे, इसको पलटाएंगे, फिर इसमें ऑयल डाल के देखिए ऐसा इसको मीडियम आंच में पकाएंगे। मैं दूसरा भी दिखाती हूँ आपको, देखिए ऐसा बेल के ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके ऐसा बेल लेंगे। अब इसको तवे पर डाल के सेक लेंगे, देखिए ऐसा। इस परोटा को दही के साथ, अचार के साथ, टमाटर चटनी के साथ खिला सकते हैं।
पक रहा है, मीडियम आंच में ही पकाना है। देखिए कितना सुंदर ठेपला मेथी का परोटा रेडी हो रहा है। मेथी का परोठा रेडी।